ये लड़का मुझे ये कर रहा है, ये इरिटेट, नहीं ये इमोशनल, अरे इमोशनल तो ये होता ना, ये कर रहा है वो, ये पागल कर रहा है। एक तो मुझे झूठ बोला, वो लड़की ये नहीं वो है, क्या नाम है उसका, संजना नहीं पूजा। हाँ, तू जो करने की सोच रहा है ना, इतना आसान नहीं है। हाँ। खतरनाक लोग हैं वो। हाँ। डॉन लोग। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही कहता, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अब तुम ही समझाओ इसे। मैं क्या समझाऊ, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि संजना एक बहुत अच्छी लड़की है और इस वक्त वो बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल में होगी। वो तो है भाभी, लेकिन इस मुश्किल का हल भी तो नहीं है। अरे ऐसा हल है कि दोनों डॉनों की जिंदगी हिला हिला के हेल कर दूंगा। उनका एक कॉमन सीए है जिसने किया है बीए, नाम उसका साउंड्स लाइक बुली। इडली, मुली, पुली, टली, ब्रूसली, नहीं क्लोज, वेरी खुली, खली, बली, बलिदान भरतवाज। अरे कितनी बार फोन करेगी तू मुझे सकू? मुझे तो लगता है तेरा रॉन्ग नंबर भी मुझको ही लगता है। क्या करूं? आप इतने सारे पैसे लेकर घर से निकले हो, मुझे तो घबराहट सी हो रही है। मैं पहली बार थोड़ी निकला हूँ इतने पैसे लेकर। दिन रात लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन करता हूँ मैं। दुनिया का हर 500,000 का नोट इस बलिदान भरतवाज को जानता है। फिर? वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी चोर ने आपके पेट में कोयता घुसाकर आपको लूट लिया तो? सक्कू, तुझे मेरी चिंता हो रही है कि मेरी चीता जला रही है? फोन रख सक्कू। अच्छा भाई, दो डीडी बनाने का, 31 लाख का, 20 लाख। जी ये लीजिए। नेशनल टीवी पे दिखा दे तो पूरे देश की नजर उतर जाए। सको, तेरी काली जबान का काला जादू चल गया। क्या हुआ? वो अमर चौधरी और सूरज चौधरी के 50 लाख चोरी हो गए। ये मत कर। अब सामान पैक कर, ये शहर छोड़ने का टाइम आ गया। चल, वो आ गए, उनसे कह दे मैं नहीं हूँ और मैं छूट जाता हूँ। भरतवाज सर, अरे भरतवाज सर, अरे वो घर तो क्या, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। एक ट्रक वाले ने उन पर ट्रक चढ़ा दी, कुचल दिया उन्हें। इस कठोर दुनिया में आपका कोई ख्याल रखने वाला है? नहीं जी, वैसे मैं बैग लेके आया था उनके लिए। अब वो ही नहीं रहे तो इस ब्रीफकेस का क्या करूंगी मैं? डोंट वरी, उनकी दोनों ही अमानतों का मैं खूब ख्याल रखूंगा। अच्छा, 13वीं के बाद मिलते हैं। थैंक यू। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? अरे यू आर अलाइव सर। हाँ मैं जिंदा हूँ। ये तो इसकी हॉबी अपने सुहाग को बात बात में मार देती है। कल से गले में मंगलसूत्र पहना करो, लोगों को गलत फहमी होती है। ये मेरी है और ये बैग भी मेरा है। सर 50 लाख ही है ना सर? हाँ 50 लाख ही। एक मिनट, तुमको कैसे पता चला कि इसमें 50 लाख है? नोट की बंडल देखकर एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कितने नोट हैं। कैसे? ये कला मैंने अपने गुरुजी से सीखी है, मिस्टर बीबी सर। विशन सिंह बेदी? नहीं सर। तो बाली ब्रह्म भट्ट? नो सर। भाईचंद भुटिया गोल? नो सर, जिन्होंने ये किताब लिखी है, मिस्टर बलिदान भारद्वाज। बलिदान भारत, ये किताब मैंने कब लिखी? इतनी मोटी किताब आपने? हाँ, ये देखो, भारद्वाज के पहले जो बलिदान है वो मैं हूँ, 10वीं। ये होती है जीनियस की निशानी, बुक लिख दी और याद भी नहीं। सर हम जैसे न्यू कमर्स के लिए ये किताब मिसाइल है और आप एक मिसाल हो सर। इस शहर में आप ही का असिस्टेंट बनने आया हूँ सर। आई सी। बस आपके साथ काम सीखना चाहता हूँ, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो मेरा काम हो गया, तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर। दो क्लाइंट है खाली, एक अमर चौधरी, एक सूरज चौधरी बस। अरे सर ये तो माफिया के बाप हैं, एक नेवला तो दूसरा सांप है, अगर दोनों मिल जाएं तो किलर शाक हैं। लेकिन दोनों अंगूठा छाप है। ओहो, ये साले चौधरी जैसे लोग साल में कितनी मर्तबा टैक्स भरते होंगे? सर ये टैक्सी का भाड़ा नहीं भरते होंगे सर।
मैं उससे साल में हर महीने टैक्स भरवा हर महीने बार 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 बारह बार बारह बार क्या करे, गंदा है पर धंधा है और गुंडों को सबक सिखाने का यही फंडा है। सर नाम आपका बलिदान और क्लाइंट से बलिदान करा रहे हैं सर। अभी तो तू भी आ गए, सबका बलिदान होगा। प्रेम से प्रेम से। टीचर चीटर है तू साले, एग्जाम में जीरो देता है। तुमने जवाब ही गलत लिखा था। सवाल क्या था? Who is the President of India? मिसेज प्रतिभा पाटिल। तूने बताया था कि अब्दुल कलाम है। ओ, President चेंज हो गया ना? अबे तो चेंज हो गया, इसमें मेरी गलती है। सिकंदर ने पोरस से कब और कहां लड़ाई की, इसमें मैं क्या करूं? अबे मुझे क्या वहां जाके उनकी कब्रें खोदनी है। शाबाश शाबाश, सही जा रहे हो अमर चौधरी। देखा, इसीलिए मैंने इसका नाम अपने नाम पे रखा है, अमर चौधरी। ए अमर चौधरी, गंदी नाली के बदबूदार सड़े हुए कीड़े। माँ तुम अंदर जाओ। कुत्ते भौंकना बंद कर और छोड़ दे इन्हें, वरना तेरे खाने में डालूंगी जहर और मुंह में घुसेड़ दूंगी, समझा ना? जाओ इसे बाइज़त बाहर छोड़ के आओ, जाओ। थैंक यू। चलिए सर। जीजा जी, इसके नाम पे आपको गालियां दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू के लिए तो पिता समान है, भगवान है आप। पैदाइशी लीचर है। और सुनो, ये अमर चौधरी, स्कूल का टाइम हो रहा है, जाना नहीं है? पिताजी आपके लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ बहू, चाय लेके आओ जी, बिना शक्कर के और बिना जहर के। मुंह मीठा कीजिए चौधरी साहब, आपकी शराब की फैक्ट्री डालने के लिए जो लैंड फंसी हुई थी मैंने क्लियर करवा दी है। और खर्चा क्या? मामूली 50 लाख रुपए। बल्ली जी, तुझे पता नहीं है यहाँ अनजान लोगों को लाना मना है? कौन है ये? मेरा भांजा है ये। भांजा? हाँ, ये देखिए हमारी शक्ल मिलती जुलती है कि नहीं? इसका मतलब है जब मैं आपकी उम्र का होऊंगा तो आप जैसे दिखूंगा। अरे शक्ल की बात छोड़िए चौधरी साहब, अक्ल की बात कीजिए। अमेरिका रिटर्न है और आपकी इनकम ही इतनी बताएगा कि टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा? हाँ, अमेरिका में अरबपति है ना जो अपने ये के मोदी, उनका अकाउंट ये संभालता था। के मोदी? हाँ। के मोदी, भूल जाइए वो के वेके मोदी को, भूल जाइए। अभी आप यहाँ आए तो चौधरी साहब के लिए काम कीजिए, उनका अकाउंट देखिए। रख ले अपने भांजे को। भांजा? दद्दू, ये तो आपके बिजनेस के ऐसा साउंड होता है, गांजा। बल्ले जी, अपने गांजे को सलाम करना नहीं सिखाया? हे सलाम करो। कुत्ते की तरह मार खाए। क्या बोला? नहीं नहीं, आज सुबह को मैंने अपना हॉरोस्कोप देखा है, उसमें लिखा गया कि अगर मैंने अपने से छोटे किसी को सलाम ठोका तो दिन भर ठुकता जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मैंने इसका हॉरोस्कोप पढ़ा है। बल्ले आज रहने दीजिए ना, बांजा भी है साथ में तो। बल्ले अब जाके आई मेरे हाथों में गर्मी और मेरी आंखों में ठंडक मेरे शेर। ओ जंगली गेंडे अमर चौधरी, तू ना अपने चेहरे पे वेलकम लिखवा ले, दरवाजे का सड़ा हुआ डोरमैट लगेगा तू। वैसे भी तेरी ये जो चुटिया है ना, किसी मरी हुई कुतिया की पूंछ जैसे दिखाई देती है। अपने दादाजी को देख कितनी सूट करती है, ये ले बेवकूफ, स्कूल जा। हाँ दादाजी, माँ ने पहली बार सही बात बोली है, क्लास में लड़कियां भी चलाती हैं, कहती हैं ये हमारे जैसी लगती है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे कटवा दूं। अमर चौधरी, अपनी गर्दन कटवा लेना चुटिया नहीं, इसे चेतावनी समझना राय नहीं, हम समुराय है, ये हमारे खानदान की पहचान है। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है, दादा पोते होने का प्रूफ है। ये पुट्ठा पकाऊ भी कहां से आ गया? बड़े दादू आपके दर्शन हो गए, आज दिन अच्छा जाएगा। पढ़ाई में ध्यान दे, तेरी उम्र के बच्चे कहां से कहां पहुंच गए। आपकी उम्र के भी कहां से कहां पहुंच गए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। क्या लाइफ हो गई है,
क्या कर रहे हो? मैं व्हाइट हाउस में ओबामा के साथ ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, दिखता नहीं तेरे को? और तेरे को लिफ्ट देने के चक्कर में मैंने ब्रेक क्या लगाई, मेरी तो कमीज फट के ये पोछा बन गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? I'm feeling very guilty. I love you too. अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें यहाँ से आजाद करवाऊँ। जाना तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे पहचानेंगे नहीं, और मेरी बीवी इतनी भोली है, बेचारी फिर किसी के साथ ना भाग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। ये है वो लड़का सर जिसके साथ संजना भागी थी। अपने शहर का तो नहीं लगता। जमीन के नीचे भी छिपा हो तो साले को ढूंढ निकालूंगा। तो सच बोल रहा ना? सर जी अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी जान निकल जाए इनकी। नहीं मैं इनकी कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद कभी नहीं कहूंगा कि वो लड़का ये नहीं कोई और था। क्या हुआ? सर जी आपको कोई मिलने आया है। क्या रे बल्ली, तूने अमर को शराब की फैक्ट्री के लिए लैंड क्लियर करवा दिया? अरे उसके लिए तो मैंने सिर्फ लैंड क्लियर करवाई है, लेकिन आपके लिए तो मैंने लैंड के साथ साथ लिकर फैक्ट्री का लाइसेंस भी क्लियर करवा दिया है। लहरी जी जा, आज से तू आजाद है। चौधरी साहब मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक वार्निंग देना चाहता हूँ। सर जी ये जो लड़का है ना, ये बड़ी पहुंची हुई चीज है। ये कैसे कैसे लोगों को फंसाता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये आपकी आंखों के सामने भी आके खड़ा हो जाए ना तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक काम कर जी, संजना की शादी तक तू यही गाड़ियां साफ करता रहे। सर जी ये आप क्या कह रहे हो, ये तो जुल्म हो गया ना, ये पाप है। चौधरी साहब आप ऐसा कर ही नहीं सकते। चौधरी साहब कुछ भी कर सकते हैं, चौधरी साहब जस्टिस चौधरी हैं। अच्छे लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, बुरों को साफ करते हैं। उड़ाओ हिदल का। नहीं, नहीं। बल्ली जी ये लड़का कौन है? कौन है साला CON? कौन उस लड़की के साथ मिलके मेरे को गधा उल्लू पोपट बनाया, अब कौन सा जानवर बाकी रह गया है? ओ कुत्ते गाड़ियां साफ कर। चौधरी साहब है ना लड़का काम का? एक बार काम करना शुरू कर दूं, नो इनकम नो टैक्स। क्या नो इनकम टैक्स? लेकिन बल्ली ये कैसे हो सकता है कि ये लड़का अमर के लिए काम करेगा और हमारे लिए भी? इसको आदत है दो काम एक साथ करने की। अमेरिका में के मोदी है ना, उसका छोटा भाई BK मोदी, उसका भी अकाउंट प्लस करता था। लेकिन अगर ये प्लस की जगह माइनस निकला तो अब मामा जी का सर धड़ से अलग कर दीजिए। सर धड़ से अलग? देखा एग्री करते हैं। अंगूठा फाइन दो। एक मिनट मामा जी, मैं कैजुअली आपके अकाउंट्स चेक कर रही थी, बहुत गड़बड़ है। क्या 19-20 का फर्क होगा? 21। भले पूरे 21 रुपए का फर्क है। 21 रुपए बेटी क्या है? मामा जी एक मिनट, तुम असिस्टेंट हो ना? यस मैम। चलो अकाउंट्स दिखाओ। मामा जी मैं अकाउंट्स ठीक से चेक करके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। चलो इसको पटा लेना। समझ लीजिए कि पढ़ चुकी है। देखा बल्ली, हमारी भांजी का ABD पढ़ना आज हमारे कितने काम आ रहा है। प्रेम, एडवांटेज लेने के लिए सिचुएशन सही नहीं। अच्छा तो फिर वादा करो कि रात को मिलोगी और एडवांटेज ही एडवांटेज लेने दोगी मुझे। प्रेम, प्रेम, मजाक कर रहा था। क्यों भाई बल्ली, चेहरे पे 12 की वजह है बे? हमारी होने वाली बहू एक एक चीज चेक कर रही है ना। डिटेल में काम करे, कोना कोना देख रही है, चप्पा चप्पा। देखा मेरी होने वाली बीवी मामूली लड़की नहीं है वो। अभी अभी पता चला मुझे। बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी बहन पर गई है। ओ तो बहन भी वैसे ही थी। हाँ। फिर तो पूरा खान क्या हुआ? घबरा रहा है, चोरी पकड़ी ना जाए। अरे संजना बेटी, संजना मेरी बेटी ही नहीं बेटी से बढ़कर है प्रेम, उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन लेकिन इसके मामाओं को तुम जानते नहीं हो, वो लोग। जानता हूं, वो आधी मानव के जमाने के कमीने ऑर्थोडॉक्स, मैं मॉडर्न जमाने का कुत्ता हूं लेटेस्ट। जब ये कुत्ता और वो कमीने भिड़ेंगे तो ये कुत्ता उन कमीनों को काट खा जाएगा। वाह 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 वाह, मैं कुत्ता हूँ
ये मेरी कुतिया है, जब आई तो सच कहता हूँ, क्या या मौसम काट खाने का। वाँ 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 वाँ। फिक्र मत कीजिए मामी जी, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। क्या कर रहा था अंदर, लिपटा छिपटी है? मामा जी वो मुझ पर गिरी थी। अरे बड़े घर के, नमस्ते, बड़े घर की लड़कियां गिरी हुई होती हैं, समझा? तू उस पे गिरे या वो तुझ पे गिरे, हम दोनों की गर्दन गिर जाएगी कट के, बड़े डेंजरस। मामा जी आप ही ने कहा था पटाओ, मैं खुद पट गया, कहीं अकाउंट्स खोल देती तो आपके पोल खुल जाते हैं। एक तो पहली बार किसी लड़की के स्पर्श को अपने बदन के फर्श पे क्रश होने दिए, और आप। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तू चालू नहीं है, तू मेरा चेला है। बैठ बैठ बैठ, आ जा आ जा। चलो चलो